लेकिन आप भी देखिए ना, कमार पता ना सपना का का हो जाते हैं। हम तो का सपन का का कहीं है धमवाने जाने। मैम साहब मीठा है पानी पी लीजिए जल्दी जल्दी, और कॉफी आया नहीं तो ठंडा हो जाएगा। लीजिए आप भी लीजिए। मैम साहब दिनों पर दिन आपके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। हाँ सर आप सही बोल रहे हैं। ले जी मैम साहब कॉफी लीजिए। लीजिए सर आप भी लीजिए कॉफी। थैंक यू। हम जहाँ जाए थे ना मनाइयन के भीड़ लग जाते है, बहुत दूरी दूरी मनाई आवत है। कुल मिल नजरिया हमारे धसाए रहा थे। oh, no. मैडम जी कहीं नजरिया न धसाए रही। आप वैसा बड़बाई करी और वैसा कपड़ा पहने थी कि दुनिया में लड़की कौन कपड़ा नहीं पहनी। जैसे आप पहने थे ना वैसा कपड़ा कम पहने। मैडम जी हम खुद ही आपके देखे थे ना, हमारो नजरिया हटाव मना ही नहीं। लेकिन क्या करिए आप गुलाम है मैडम जी और कुछ ना। लेकिन आप भी देखे थे ना तमार पता ना सपना में का हो जाते है। हम तो का सपना में का कहीं है भगवान जाने। oh, no. नौकरी से निकाल दे तो। अरे नहीं मैडम जी नौकरी से निकाल जवान काबू मैडम जी तमन करो, लेकिन नौकरी से निकाल। ये आपके बारे में हम बड़ा फन करते हैं। लोग आवत है आपको दूरी दूरी से देखे आप नजरिया टिका रहे। मैडम जी आप जहाँ खड़ी हुई जाती है कम से कम वहाँ लाख दो लाख आगे जुटी जाती है। आप नई फेमस बन नाम है उर्फी जावेद। आपका नाम बहुत फेमस मैडम जी। आपके देखे भी ना बहुत दूर दूर से लोग आवत है। हम सभी जाए देखते है गन बंदूक लगी से खड़ा है। आप बॉडी गार्ड है ना, हम सभी खाली आप सेवा में खड़ा है। मैडम जी टेंशन मत ले, हम तो ऐसे कहा थे जो हुए। लेकिन आप ऐसा कपड़ा पहने थे ना, ऐसा कपड़ा पूरा एटीएम कर पहने थे। सही बात है, हम गलत नहीं कहे मैडम। चल अच्छा मैडम जी, अभी आपको शूटिंग हो गए वहाँ मुंबई में। हाँ वहाँ चले बाटे मैडम जी, तो वहाँ चले बाटे ज्यादा अश्लील कपड़ा जिन पहन चलो मैडम जी। अश्लील कपड़ा बहुत बेकार लागे थे जवन हुए है, और ऐसा नॉर्मल कपड़ा पहन चलो जो देखे बात जन मने कहा है। हाँ ऐसा ऐसा कपड़ा पहन चले थे जमाना हुए। हम चाहे जो कपड़ा पहने तू है कौन बोले वाला। मैडम जी गलती हुई, हम तो आपके गुलाम है, हम कुछ ना है। गलती आप वैसे कपड़ा पहने मैडम जी, आप कौन मना करे। आजू बाजू कुछ कहा पहन कर आपके, हम आपके गुलाम है। अगर आप हमें निकाल दे हम जाए कहा। आप इसी आप हमें 50,000 रुपया महीना पगार देते हो, उतना हम सरकारी क्यों ना पाओ। इससे बढ़िया हम आपके चरण में रहते तो ठीक है। आप जमन कपड़ा मैडम जी मन कहा है ना तमन कपड़ा पहने हमसे मतलब ना मैडम जी। लेकिन तरके आपके देख के और लड़कियां बिगड़ जाती मैडम जी, ये बात रहा और कुछ ना मैडम। चलते मैडम जी बैठाई हम ही आपके, और कल जो आपकी शूटिंग होगा वहाँ बहुत भीड़ लगी मैडम जी। और जवान कपड़ा पहने मन कहा ना वह चलो जो है मैडम जी। हमारे लड़की वक्त तबियत बहुत खराब है, आज भी फिर हमें छुट्टी देते हैं। अब काल हम जवान हुए हैं तो सरकर्मा आए जब कहा काल आपके शूटिंग में हुए और 15 गाड़ी जहाँ आपके जवान हुए जाए महिंद्रा, तो हम सबके जवान हो जाए पहुंच गए बाहर ने। अच्छा जा काल टाइम से चला आए। हाँ मैडम जा काल मैडम जी हम टाइम चलाओ ठीक हो मैडम जी। काल हम जवान टाइम चलाओ भैया तन ध्यान दे रहा मैडम जी देखा। हाँ जी ऐसे चलिए सर आइए चलिए चलिए किसी भी गति का हेडसम खड़ी हो जाओ नहीं तो आपको गोली मार दिया जाएगा, आपको गिरफ्तार किया जाता है। कौन गलती करे साहब हमें गिरफ्तार कर। बहुत बड़ी गलती करी आप करी हो बड़ी। इतना बड़ी गलती की हो ना कि हम बता नहीं सकते। आप जो ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनती हो ना देखकर देश पूरा एकदम बर्बाद हो रहा है, मतलब डूब रहा है। इसलिए आपको गिरफ्तार किया जाता है कि आने वाले समय में ऐसे बच्चियां कपड़े ना पहने, और आपको इसीलिए गिरफ्तार किया जाता है। सरकार का ऑर्डर मिला है हमको। oh, no. उनको परमिशन मिला है कि उनको गिरफ्तार किया जाए और सलाखों में डाल दिया जाए, इसलिए आपको गिरफ्तार किया जाता है। यही आपकी गलती है, आप ऐसे ऐसे कपड़े पहनकर चलती हैं, हमारा पूरा देश बिगड़ा जा रहा है। पहले तो जो है नॉर्मल सूट और साड़ी चलता था, इस समय इतना फैंसी फैंसी कपड़े आ चुके हैं कि पूछो मत। लेकिन आपके जैसे उर्फी जावेद आपके जैसे कोई कपड़ा पहनता ही नहीं। जैसे आप जैसे जैसे भी कपड़े पहनते आप किसी का बात भी नहीं मानती हैं। कोई आपको कुछ कहता है तो सुनती ही नहीं है। तो मेरी मर्जी चाहे जो कपड़ा पहनी हम चाहे जो कपड़ा ना आए साहब जो बात है सुना मेरे बाप बंदूक ठोंक दें कौन काम कर सकना होगी।
ऐसे ऐसे छोटे छोटे कपड़ा पहन गो पूरा देश बिगड़ा था। लड़की लड़के जो है सब तो देख एकदम पूरा देश बर्बाद हो रहा है। यही सोच लो आप अपनी मर्जी चला रही हैं, यहाँ आपकी मर्जी नहीं चलेगी, सरकार की मर्जी चलेगी। जो सरकार कहेगा वही करना पड़ेगा आपको। आप छोटे छोटे कपड़े पहनकर चलेंगे तो आपको आपको अच्छा लग रहा है ना, लेकिन दूसरों को देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। आप जहाँ जाती होंगी वहाँ लाखों नहीं करोड़ों की भीड़ लग जाती होगी। oh, no. लेकिन ऐसे अभद्र कपड़े पहनकर, अभद्र कपड़े पहनना मना है यहाँ पे। यहाँ अभद्र कपड़े पहनने से बहुत सारे लड़कियां बिगड़ रही हैं, आपके जैसे वो भी कपड़ा पहनना चालू कर दिए। हौलदार साहब। यस सर। लाइए जो है वो दीजिए, अकड़ी दीजिए। अरे साहब छोड़ दो मैडम के, साहब छोड़ दो। पूरा वारंट कर चुका है, इनको उठा कर हमको ले जाना है हर हाल में। हमको तुम्हें भी सटा के मार देंगे, खड़े हो जाओ दोनों लोग। पैसा मिला है हमको यहाँ से ले जाने के लिए, गिरफ्तार अकड़ी दीजिए, इनको गिरफ्तार किया जाए। अरे और जी साहेब का बताइए, आज बहुत भारी गलती हुई थी उनसे। जहाँ हम अपन हथकड़िया रखे रहे वही हमारे बर्धा के लिए जाके पगावा धे दिए। oh, no. आपको सवेरे फोन आएगा बाद हम सवेरे ध्यान दे ना, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म कुछ ना पहने। हम सोचे हथकड़ी ले दौड़ते दौड़ते आए और और डंडी लाए और प्लास्टिक वाला वो भी। अरे सर अपना गन भाई गन भूल गए हैं, मैं ऐसे करूंगा नौकरी निकाल दिया जाएगा। इसे पकड़ के लेकर चलना पड़ेगा ना इनको। चलो ठीक है, इसी से काम चलाना पड़ेगा। गन पकड़िए, चलिए हाथ आगे कीजिए, आपको गिरफ्तार किया जाएगा। और तुम दोनों खड़े रहो, कोई चला के नहीं। अरे साहब एक बार छोड़ दे साहब, पैसा ले ले साहब। पैसा नहीं लेते हैं, पैसा नहीं लेते हैं। रिश्वत खोर पुलिस समझाया क्या? पुलिस समझाया क्या? चूतिया समझ रहा है। चलो चलिए आइए, हट जाओ तुम लोग। चलो आपको गिरफ्तार करने का ऑर्डर मिला था, इसलिए हम गिरफ्तार कर रहे हैं। नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी मैडम जी? हौलदार कहाँ है? कहाँ खड़ी है? चलो